अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार बिसेन जिला अस्पताल में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में पुलिस विभाग और जिला परिवहन अधिकारियों को आड़े हाथ में लेते हुए जमकर बरसे। जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसे को लेकर जिला परिवहन अधिकारी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि बालाघाट विधानसभा में 75% चालक बिना लाइसेंस के ट्रैक्टर चलाते हैं। इसके साथ ही बसों के हालात भी खराब है। ऐसे अधिकारी जो ध्यान नहीं दे रहे, इसके लिए परिवहन मंत्री को फोन करके व पत्र लिखकर ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने कहा। साथ ही पुलिस विभाग को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, कहना है कि इस ओर पुलिस विभाग भी ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ सुबह से रोड और चौक पर निकलकर पर्ची काटने लगते हैं, अपनी जेबी गर्म करते हैं, यही काम है पुलिस वालों का। मैं पुलिस वाले दुनिया सब देखती है, तुम्हारी वर्दी के कारण बोलती नहीं है, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। आज मैंने आपके आरटीओ को एक ट्रांसफर के लिए परिवहन मंत्री को पत्र लिख दिया, फोन कर दिया। बालाघाट में मैं कह सकता हूं, मध्य प्रदेश में तो मुझे राखे चलने वाले मिल जाते हैं, कम से कम लाल बर्रा और बालाघाट नगर के मेरे विधानसभा क्षेत्र में 75% ट्रैक्टर ड्राइवरों के लाइसेंस नहीं है। क्या कर रहा है जी, चौक पे खड़े हो गए पर्ची काटे, ये गर्म की ये काम पुलिस वाला दुनिया सब देखती है, तुम्हारी वर्दी के कारण बोलती है, दुनिया आपको पहचानती है।